हेलो 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 ओके जो लोग इसको लाइव देख रहे हैं वेरी आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइस आई डू इट टुडे राइट चलो सो गाइस लेट्स क्विकली स्टार्ट एंड फर्स्टली रिवाइज व्हाट डिड वी सी इन ऑल दीस डेज़ राइट चलो एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं

देन वी वेंट ऑन टू वट इज एन कोडिंग वट इज मैंने वो राजी मूवी का एग्जाम्पल भी आपको दिया था फिर ऐसी आठ चीजें हैं जो जब भी कम्युनिकेशन होगा ये आठ चीजें होने वाली है पहली क्या है बेटा पर्पज दूसरा कंटेंट्स। तीसरा मीडियम्स यूज

रिटर्न कम्युनिकेशन की बात करता हूँ वर्बल की कम्युनिकेशन की बात करता हूँ तो ये कितना है सेवन परसेंट है वर्बल रिटर्न उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ पैरा लैंग्वेज की कितना है थर्टी एट परसेंट है अगर मैं बात करता हूँ बॉडी लैंग्वेज की या फिजिकल की कितना है फिफ्टी फाइव परसेंट है कुल मिलाकर हंड्रेड होता है या नहीं चेक करो राइट right? चलो हमने कल नेटवर्क स्टार्ट किया था और नेटवर्क में हमने कुछ देखा था लाइक द फर्स्ट वन वर्टिकल कम्युनिकेशन वर्टिकल नेटवर्क राइट वर्टिकल में हमने क्या देखा था सुपरवाइजर से सबोर्डिनेट बात कर रहा है सबॉर्डिनेट डायरेक्टली रिपोर्ट कर रहा है यहाँ पे क्या एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इमीजिएट फीडबैक पॉसिबल होता है नेक्स्ट चेन ऑफ कमांड एक बंदा अपने सीनियर को वो अपने सीनियर को फिर ऐसे वो दूसरे बॉस के पास जाएगा वहां से अपने जूनियर को अपने जूनियर को इस तरीके से रिपोर्टिंग होने वाली है वहां पर राइट क्या यहाँ पे टाइम कंज्यूम ज्यादा होगा इट इज टाइम कंज्यूमिंग नंबर वन नंबर टू इट इज डेटा मे गेट डिस्टर्ब और मे गेट लॉस्ट और मे गेटेड इन बिटवी सर्किट थोड़ा साइट छोटे ऑर्गेनाइजेशन में पॉसिबल है बड़े पॉसिबल नहीं है आजकल ये कॉमन है और बड़े ऑर्गेनाइजेशन में यही यूज होता है स्टार को हम डायगनल क्रॉस फंक्शन भी बोलते हैं किसी से जगह बात करना अपनी इन्फॉर्मेशन लेना आगे काम बढ़ना राइट चलो इनके एग्जाम में अगर इसके ऊपर कुछ आता है लिखने को तो क्या लिखना है कैसे लिखना है देख लेते हैं फटाफट अगर मैं वर्टिकल की बात करता हूं वर्टिकल में एक ही चीज हमने देखी थी इमीजिएट फीडबैक पॉसिबल वही चीज यहाँ पे दी गई है लिखना है आपको समरी में बट वेट करो पहले समझ लो मैं क्या बता रहा हूं राइट नेक्स्ट बात करते हैं सर्किट की वेन टू पर्सन कम्युनिकेट विद ईच अदर सेंडिंग मैसेजेस एंड फीडबैक दे फॉर्म अ कम्युनिकेशन सर्किट टू पीपल इंटरेक्टिंग विद कलीग्स यानी कि ये मुझे यहाँ से इंडिकेशन दे रहा है कि ये इनफॉर्मल टाइप होने वाला है ये मुझे इंडिकेशन दे रहा है कि ये इनफॉर्मल टाइप, टाइप का होने वाला है कुछ राइट right? देन बात करता है चेन की राइट right? अब चेन में क्या आया था चेन में इट इज फर्स्टली बेस्ड ऑन चेन ऑफ कमांड एंड यहां पे देखो इट टेक्स टाइम यानी कि टाइम कंज्यूमिंग है एंड कम्युनिकेशन में नॉट बी क्लियर तो वही चीज है यहां पे एक तो हो जाता है आपका टाइम एंड दूसरा होता है डेटा लॉस राइट आपको जिस भी तरीके से लिखना आप लिख सकते हो बस समरी जरूर बनाना है आपको राइट नेक्स्ट बात करता है विलेन स्पोक की ध्यान देना जो वर्ड में बोल रहा हूं टेक्निकल जार्गन्स वही यूज करने हैं सिंगल कंट्रोलिंग अथॉरिटी आपको यही वर्ड यूज करना है क्या बोलते हैं सिंगल कंट्रोलिंग अथॉरिटी राइट डायक्ट एंडनेस बेसिकलीस्कस करने, करने।, करने लायक है वो वाली ही बाकी चीजों पर वहां पर नहीं प्रॉब्लम होने वाला है राइट कुछ इस तरीके से हमने वहां पर देखा था नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट स्टार स्टार केस में मल्टीपल चैनल है यानी कि जिसको जिससे बात करना है ग्रुप कम्युनिकेशन टीम वर्क है एंड जिससे जिस कर सकता है तो ये या वर्टिकल इस चीज पर डिपेंड करेगा यह पैराग्राफ में से कुछ लिखने की जरूरत तो नहीं है यहां पर जो भी हाईलाइट किया हुआ इन योर समरी बुक राइट विकॉज इट इज इंपॉर्टेंट एंड रिविजन में काफी हेल्प करेगा गो फॉर इट फास्ट दो मिनट देता हूँ लिख लो रीड कर लो पूरा Right? Ciao. डन हो गया क्या अरे डन क्या यस सर नो कोई नहीं चलो एक मिनट और देता हूँ गोफर इट फास्ट Then? ओके okay. चलो आगे बढ़ते हैं नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक विच विल बी डिस्कसिंग टुडे इसमें काफ़ी टाइम चला जाएगा अभी तो यहां पे बात हो रही है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन की सर कम्युनिकेशन तो आपने पढ़ा दिया कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है वो तो समझा जाए तब तो करेक्टरिस्टिक्स समझूंगा मैं बेटा जो कम्युनिकेशन होता है वो सिर्फ मैसेज देना और एक हजार ने मैसेज को रिसीव कर लिया राइट नो डाउट नो से वगैरह जो भी चीजें हैं बट उस मैसेज को उसी तरीके से डिलीवर करना और उसी तरीके से सामने वाले ने उसको रिसीव किया जो समझ के आपने भेजा था मतलब आपके दिमाग में एक ऑब्जेक्टिव होगा एक पर्पस होगा उस मैसेज को भेजने का वही पर्पस सामने वाले ने समझा है उसी पर्पस के साथ सामने वाले ने पूरी चीज को पढ़ा है इसको बोलते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन समझ रहे हो क्या नहीं मतलब सिर्फ कम्युनिकेट करके मतलब नहीं कम्युनिकेट करो बट वो काम भी हो जाए आपने जो आंसर लिखे जिस तरीके से लिखे एग्जामिनर पढ़ पाया और आपको मार्क्स दे पाया आप पास हो गए इफेक्टिव कम्युनिकेशन समझ रहे होगा नहीं बात को राइट right? आपने डॉक्टर को सम, बताया कम्युनिकेट किया कि मुझे ये ये प्रॉब्लम है डॉक्टर ने समझा अकॉर्डिंगली दवाई दी आप ठीक हो गए इसको बोलते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन समझ रहे हो नहीं आपके आपके टीचर को डाउट पूछा आपने प्रॉपरली सब चीज़ें बताई और टीचर ने सब समझा और आपको प्रॉपरली सजेशन दिया उससे आपका काम हो गया आप सक्सेसफुल हो गए आप पढ़ाई कर पा रहे हो अभी इसको क्या बोलते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन

मतलब बेटा जो भी तरीके से आप सोच रहे हो चीज को जो भी आपका पर्पस है ये सब कम्युनिकेट करने का जो भी मैसेज पास ऑन कर रहे हो वो क्लियर होना चाहिए वो बार बार चेंज नहीं होना चाहिए मेरा पर्पस अभी है उस बंदे को समझाना कि यार ये चीज कैसे की जा सकती है दो तो घंटे बाद मेरा पर्पस चेंज हो गया अरे वो बंदे को तो तुमने कम्युनिकेट कर दिया वो थोड़ी ना उसका पर्पस चेंज कर लेगा सो ही विल

देना सिर्फ मैं रीड करता हूं कंटेक्ट क्या दिया हुआ है मार्क करता हूं बाद में आपको टाइम दूंगा लिखने का आपको एक साथ टाइम दूंगा लिखने का आप लिख सकते हो राइट right? चलो देखते हैं यहां हैं एनी स्पोकन और रिटन कम्युनिकेशन शुड स्टेट दी पर्पज शॉर्ट शुड स्टेट दी परपज क्लियरली सेंटेंसेज शुड बी शॉर्ट यानी कि आपका मैसेज जो है वो शॉर्ट होना चाहिए वो कोर मैसेज प्रॉपरली जाना चाहिए बुलेट पॉइंट्स के थ्रू जाना चाहिए मेक इट ईजी फॉर दी रीडर टू ग्रास्प

अब यहां पे क्या होता है सिर्फ फॉर एग्जाम्पल आपको कोई एक पर्सन से बात करनी है जाके राइट सिर्फ आप गर्लफ्रेंड को जाके प्रपोज कर रहे हो ठीक है चलो सो so, अब इस केस में क्या होने वाला है आपको कोई पसंद है आप जा रहे हो उसको बात करनी है आपको बोलना है थ्री मैजिकल वर्ड्स राइट क्या है थ्री मैजिकल वर्ड्स आपके वो आई लव यू सपोज आपको बोलना है अब आपने बोलना ऐसा स्टार्ट किया आई लव यू e, मतलब e, well, आप समझ रहे हो आप नो डाउट नर्वसनेस एक्सप्रेस कर रहे हो आपके बात करने में से दी वे यू आर सेइंग समथिंग ऑन दी पैरा लैंग्वेज पार्ट ऑन दी बॉडी लैंग्वेज पार्ट बट आर यू मेकिंग इट इरिटेटिंग फॉर दिस पर्सन हु इज रिसीविंग दैट वर्ड्स फ्रॉम यू इज रिसीविंग दैट मैसेज फ्रॉम यू मेकिंग इट डिफिकल्ट सामने वाला बंदा एडिटेट होने ही वाला है इस चीज से यानी कि जब भी मैं कोई चीज बोल रहा हूं मुझे वो टू दी पॉइंट बोलनी चाहिए मुझे वो घुमाते फिराते नहीं बोलना चाहिए जब भी मैं उस चीज को घुमा फिरा के बोलना स्टार्ट करता हूं ना सामने वाले का वो इंटेंशन जो उसमें है समझ जाता है वो कि यहाँ पर घुमा फिरा रहा है कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं, कहीं ये क्लियर नहीं है इस बात को लेकर कहीं ना कहीं, कहीं इसको डिफिकल्टी जा रही है एक्सप्रेस करने में एंड दैट इज नॉट एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन बेटा राइट सो कंसाइज में मुझे टू दी पॉइंट रहना है मुझे इरेवेंट वर्ड्स अवॉइड करना है मुझे रिपिटेशन अवॉइड करना है सर ये लिखने दो बाद में टाइम देता हूँ अब ध्यान दो सामने, राइट आई कंसाइज आपको समझ गया है बात कॉन्क्रीट की सर ये कॉन्क्रीट क्या होता है मुझे पता है बताओ लाइव वालों बताओ कॉन्क्रीट क्या होता है हा? देखो मैंने क्या लिखा है कॉन्क्रीट मतलब क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स से भरी हुई दुनिया और कुछ भी नहीं तो मेरा मैसेज जो है ये कॉन्क्रीट रहना चाहिए यानी कि उसमें जो फैक्स एंड फिगर्स है ये करेक्टली एक्सप्रेस करना चाहिए ये मैंने करेक्टली कम्युनिकेट करने चाहिए ये सब मैंने करेक्टली पास ऑन करने चाहिए क्या होता है ये फैक्ट्स एंड फिगर्स बेटा से फॉर एग्जाम्पल अगर आज एक क्रिकेट मैच चालू है सपोज आज के एक क्रिकेट मैच हो गई या कल एक क्रिकेट मैच हो गई जिसमें से फॉर एग्जाम्पल महेंद्र सिंह धोनी ने 400 सौ रन स्कोर किए फॉर एग्जाम्पल 400 सौ रन स्कोर किए मेरे को बताओ क्या मेरे लिए सिर्फ 400 सौ रन स्कोर किए या हम सब के लिए उसने 400 सौ रन स्कोर किए फॉर एवरी वन इट इज यूनिवर्सल इट इज कॉन्क्रीट इट इज फैक्ट्स एंड फिगर्स ये फैक्ट है कि उन्होंने इतने इतने रन स्कोर किए हैं राइट नाउ मुझे बताओ आप ऐसा बोल सकते हो क्या कि उसमें लिख के महेंद्र सिंह ने पांच सौ रन स्कोर किया नहीं नहीं यार गलत हो जाएगा जो भी एंड फिगर्स ये समझ ने स्कोर की, आपके लिए शायद अलग की तीसरे के लिए शायद अलग की हो ऐसा कभी नहीं होता समझ रहा नहीं बात को। राइट यहाँ पे पढ़ना कॉन्क्रीट यानी कि योर कम्युनिकेशन शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड बी करेक्टली एक्सप्रेस्ड नथिंग एल्स राइट क्रीट का पूरा पार्ट रीड करो एक बार देखो क्या लिखा हुआ है द कंटेंट ऑफ योर शुड बी टेंचेबल एंड बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स आइडियाज एंड थॉट्स आर आइडिया टू मिस रिप्रेजेंटेशन राइट दिख रहे हो सामने करेक्ट क्लियर है आगे बात करते हैं क्लियर हो गया कंसाइज हो गया कंक्रीट हो गया आगे बढ़ते हैं अगला वाला क्या था कंप्लीट ही था ना यस yes. कोहेरेंस पे डिस्कस करते हैं पहले कंप्लीट पे जाते हैं स्पिन चलो लेट्स टॉक अबाउट कोहेरेंस कोहेरेंस सिंपली बोलता है लॉजिकल फ्लो फॉलो करना है लॉजिकल फ्लो आप इसको बोल सकते हो सीक्वेंस राइट right? या फिर मैं इसको बोलता हूँ जहां पे क्रोनोलॉजिकल है वहां पे क्रोनोलॉजिकल यस yes. ये लॉजिकल क्यों बोला है ताकि सेंस बन सके राइट right.

पैशन क्या है उसका उसका प्रोफेशन क्या है देन आई नीड टू गो टू अनुष्का शर्मा भाई वो कब पैदा हुई है उसने क्या क्या किया हुआ है हु आर हर पेरेंट्स वॉट डस शी डू हाउ डिड डे बोथ मीट इवेंट्स देखो सीक्वेंस देखो उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा कि हाँ फिर उन्होंने शादी की एंड देन कि उनका करियर कैसे चला उनकी पर्सनल लाइफ जो भी लिखना है आपको राइट right? तो आप जो भी चीज़ लिखते हो ना बेटा वो चीज़ में अगर क्रोनोलॉजी है मेरे को बताओ हमने हिस्ट्री पढ़ा है इसके पहले कभी स्कूल लाइफ में

पानीपत की फाइट हुई थी सींगड़ की फाइट हुई थी ऐसा नहीं होता है आप एक के बाद एक चैप्टर आते हैं उसमें राइट फिर इंटरनेशनल मार्केट में चीजें क्या हुई इंडिपेंडेंस के पहले ब्रिटिश रूल में एक के बाद एक चीजें आएगी ना इट इज नॉट लाइक बीच में से अचानक से कुछ भी फ्लो आउट हो रहा है ऐसा नहीं होगा इट इज अ लॉजिकल ब्रिज डेवलप इट इज अ लॉजिकल फ्लो वही चीज बोलती है कोहेरेंस में क्या बोलता है कोहेरेंस दिखना बेटा है यहाँ पे देर शुड बी अ लॉजिकल ब्रिज Between the words and sentences that you are using, also the information that you represent should be sequentially organized and logically presented. सबसे इंपॉर्टेंट है और जहाँ पे भी कोई भी चीज है जो इंटरकनेक्ट है उसको साथ में प्रॉपरली प्लेस करो राइट right? This is what the meaning of coherence. अगर ये चीज़ है आपके डेटा में आपके information में आपके मैसेज में तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव है समझ रहेगा नहीं बात को आपका जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव है ठीक है चलो नेक्स्ट बात करते हैं कम्प्लीट की नेक्स्ट टॉक अबाउट वॉट इज कम्प्लीट नाउ कंप्लीट क्या होता है शेयर ऑल द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द रिसीवर ऑफ द मैसेज टू टेक डिसीजन इफ एनी मतलब अगर मुझे कोई डिसीजन लेना है कि क्या चीज हो रही है किस हिसाब से चीज हो रही है तो मेरे लिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे पास पूरा डेटा आया जाए जब तक मेरे पास पूरा डेटा नहीं आता तब तक मैं पूरी चीज प्रॉपरली नहीं समझ पाऊंगा तो यह पूरा डेटा मेरे पास कैसे आएगा जो मैसेज गिवर है उसने पूरा डेटा मुझे देना चाहिए तो उसने क्लियर का भी ध्यान रखना है उसने कंसाइज का भी ध्यान रखना है सर उसने उसने कॉन्क्रीट का भी ध्यान रखना है उसने कोहेरेंस का भी ध्यान रखना है उसने कंप्लीट का भी ध्यान रखना है हाँ बेटा राइट right? इसके बाद और दो तीन चीजें आ रही है तो इन सब चीजों का ध्यान उसको रखना बहुत जरूरी है अब अगर मैं कंप्लीट की बात करता हूँ सिर्फ फॉर एग्जाम्पल आप चलिए मेरे पास और आप बोलते हो सर मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है राइट आप मैंने आपको पूछा आप पढ़ाई कर रहे हो आप बोलते हो हाँ सर मैं तो इतने घंटे बैठता हूँ ये बुक देखता हूँ वो करता हूँ एसेकट्रा एक एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक बट आपको भी अंदर से पता है आप झूठ बोल रहे हो तो जब तक आप आपका पूरा सिचुएशन जो है ये आप मुझे एक्सप्लेन नहीं करोगे कि कहाँ दिक्कत जा रही है तब तक मैं आपको कैसे गाइड कर पाऊंगा जब तक डॉक्टर के सामने आप पूरी दिक्कत नहीं बताओगे तब तक वो आपको मेडिसिन कैसे दे पाएगा

इसी के बाजू में कंक्रीट लिखना, में लिखना में right? है इसी के बाजू में कोहेरेंस लिखना है इसी के बाजू में कंप्लीट अब कटसी देखेंगे राइट चलो कर्टसी पैते हैं What इज कर्टसी सर कर्टसी सिंपली means बी humble एंड पोलाइट आप जब भी जो भी बात कर रहे हो किसी के भी साथ बीट फॉर्मल कम्युनिकेशन बीट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ट्राई टू बी पोलाइट यू डू नॉट नो इन विच एनवायरमेंट दैट पर्सन इज यू डू नॉट नो उसके माइंड में क्या चल रहा है उसके थॉट्स क्या है आपको हमेशा पोलाइट लेना है आपको हमेशा कर्टियस रहना है यानी कि पोलाइट रहना है स्पेसिफिकली मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स को कि जब भी आप किसके साथ चैट कर रहे हो बीट फॉर्मल इनफॉर्मल फॉर्मल वट एवर वेन यू आर डूइंग सम रिटर्न कम्युनिकेशन प्लीज बी पोलाइट किसको कैसे अफेक्ट पड़ रहा है वी आर नॉट अवेयर वी डोंट नो यहाँ पे यही चीज यहां पे दी हुई है देखना क्टफुल ओपन एंड ऑनेस्ट ये अज्यूम कर रहा है सामने वाला बंद जिसको आप मैसेज पास ऑन कर रहे हो कि आप ऐसे करोगे एंड इफ यू आर डूंगिकेटिंग इट इन द इफेक्टिव वे समझ रहे हो नहीं बात को डोन्ट यूज एनीथिंग ऑफेंसिव गाल तो दो चैट करते करते समझ रहे हो बात करते करते वॉट इज मीनिंग बांग हमने क्या क्या देखा

मैम टॉप सामने देखो हाँ जो मैं बोल रहा हूँ रिपीट करो मेरे पीछे कॉफी वगैरह सब छोड़ो तो सब मोम आया है खाना वगैरह खा लिया है है आपने अभी पे ध्यान दो पहला क्या क्लियर दूसरा क्या है बेटा कंसाइज पहला क्या है क्लियर दूसरा क्या है कंसाइज तीसरा क्या है कॉन्क्रीट वापस पहला क्या है क्लियर दूसरा क्या है कंसाइज तीसरा क्या है कॉन्क्रीट फोर्थ क्या है कोहेरेंस फिर से पहला पहला क्या है क्लियर दूसरा क्या है कंसाइज तीसरा क्या है कॉन्क्रीट चौथा क्या है कोहेरेंस पांचवा क्या है कंप्लीट फिर से पहला फर्स्ट वन क्लियर कंसाइज कोहेरेंस कंप्लीट कर्टसी फिर से फिर से अपनी स्टाइल में प्रॉपरली राइट right? आपको भी समझ गई है मैं क्या स्टाइल यूज कर रहा हूं चलो पहला वाला क्या है फर्स्ट वन इज क्लियर दूसरा कंसाइज फर्स्ट वन क्लियर दूसरा कंसाइज तीसरा कॉन्क्रीट फिर से फर्स्ट वन क्लियर

इट इज प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग फोर 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 थिंग्स थिंग्स थ्रू आर एक्सचेंजिंग्स इन्फॉर्मेशन फीलिंग्स एंड इमोशंस चार चीजें जिससे हम एक्सचेंज कर रहे हैं इसको वो कौन सी चीजें हैं ताकि ये प्रोसेस कंप्लीट हो स्पीच सिग्नल्स राइटिंग और बिहेवियर राइट परफेक्ट चलो अब करते हैं स्टार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन पे नंबर वन पर्पस अरे कम्युनिकेशन पूछ रहा हूं मैं स्टेप्स इन अरेंट नंबर वन पर्पस नंबर टू कंटेंट्स नंबर थ्री

समझ लोगा नहीं बात को यहां तक चीजें क्लियर है चलो इसके बाद इसके बाद देर आर थ्री मोर थिंग्स कैसे याद करना है उनको भी बताता हूं मैं। ये आपके सिक्स सीज़ अगर हो जाते हैं क्या थे बेटा ये सिक्स सीज़ वापस बोलने एक बार क्लियर फिर कंसाइज फिर वापस clear, concise, क्लियर कंसाइज उसके बाद क्या था क्लियर कंसाइज देखो सामने देखो क्लियर कंसाइज कॉन्क्रीट फिर कोहेरेंस क्लियर कंसाइज फिर कॉन्क्रीट फिर कोहेरेंस फिर कंप्लीट बर्टसी यानी कि ये जो सिक्स सीज थे ये सिक्स सीज है इसके बाद देर इज समथिंग कॉल्ड एज सुनो और फोकस करके अवेयर हो जाओ इट सर ये क्या है सुनो फोकस अवेयर नंबर वन यहां पे आएगा सर लिखना है नहीं ध्यान दो सामने लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग नंबर टू क्या है फोकस एंड अटेंशन नंबर थ्री क्या है इमोशनल अवेयरनेस एंड कंट्रोल गया? अब सर अब क्या करना है ये तीन एक्सप्लेन करता हूं पहले पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पहले आपके समझ में ये पूरा छापना है राइट right? उसके बाद दूसरी चीज आपको क्या करनी है दूसरी चीज आपको यहाँ पे ये जो जो मैंने मैंने आपको शॉर्टकट्स लिख के दिए समझ लिख के दी है, की क्लियर कंसाइज कंप्लीट इनको आपको आपके माइड नोट्स में यहाँ पे लिखना है राइट मैंने जो यहाँ पे मार्क करवाया है आपके नोट्स में तो मार्क कर लो या तो ये समझ में आ रहा है तो ठीक है कुछ एडिशनल लिखना है तो आप लिख लो राइट इस चीज को कर लो यहाँ पे रीड कर लो इसको उसके बाद आगे बढ़ते हैं ठीक है चेके? चलो गो फॉर इट फास्ट लिख लिए क्या पढ़ना है टाइम वेस्ट मत करो ओके okay, डन ये लोग कंप्लीट हो कर्टे भी देख लो इसके बाद समझ भी दिखाता हूँ फिर फिर से रिवाइज़ करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे डन ये सौ नो लाइव वालों जो लाइव दिख रहे हैं डन डन इतना चलो इसको समराइज़ करके लिख लो यहाँ पे इतने पॉइंट्स लिख लो आई होप आपका यहां तक हो चुका होगा अभी राइट मैंने काफी पांच मिनट दे दिए है आपको ऑलरेडी दिखने के लिए ये yes? चलो लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग फोकस एंड अटेंशन और इमोशनल अवेयरनेस एंड कंट्रोल को देखा जाए अभी राइट बात करता लिसनिंग लिसनिंग एंड एंड अंडरस्टैंडिंग की ध्यान से सुनना बात कर रहा हूं, मैं अंडरस्टैंडिंग पे अब लिस्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग अगर मैं बात करता हूँ तो काफी जगह पे आपको डिफरेंस नहीं समझना आता है कि एक होता है हियरिंग एंड दूसरा होता है लिसनिंग ठीक है यहां क्या होता है सिर्फ सुनना होता है राइट right? सिर्फ लिसनिंग मतलब सिर्फ लिसनिंग मतलब सिर्फ हियरिंग सिर्फ हम लोग सुनते हैं राइट right? यहां पे क्या होता है सुनना है प्लस समझना है मतलब आप सुनते हो चीजों को समझते हो अपने माइंड में रजिस्टर कर लेते हो वहां पे सिर्फ सुनते हो और सुनने के बाद उसको निकाल देते हो अपने माइंड से समझ रहे हो क्या तो आपको कम्युनिकेशन में अगर आपको डिसीजन मेकिंग लेनी है आपको सामने वाले को फीडबैक देना है रिप्लाई देना है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप लिसनिंग करो एंड हियरिंग न करो अगर आप हियरिंग करोगे तो आप कुछ समझ नहीं पाओगे फॉर एग्जाम्पल मैं अब यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ जब तक आप इसको लिसन नहीं करोगे समझोगे नहीं प्रॉपरली सुनने के बाद तब तक आपको ये चीज भेजे में नहीं जाने वाली है नंबर टू सबसे इंपॉर्टेंट थिंग अगर 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 आप समझ लेते हो सुन के समझ लेते हो और आप मुझे कोई क्वेश्चन पूछते हो और मैं आपका क्वेरी आपका क्वेश्चन नहीं सुनता हूं या नहीं समझता हूं मैं आपका क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाऊंगा तो आपको लाइक से फ्रॉम ए टू बी बी समझना है सुनना है लिसन करना है फ्रॉम बी टू ए बी लिसन करना है बहुत इंपॉर्टेंट है सो लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग जब तक ये लिसनिंग नहीं होगा तब तक वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होने वाला है देखो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ फोकस एंड अटेंशन की

आपको एक ओवर दो ओवर मिस आउट हो जाएंगी बट क्या आप फिर से आकर उसके हाईलाइट देख सकते हो उसका स्कोर देख सकते हो कोई मेजर विकेट वगैरह गया तो आप उसकी हाईलाइट देख सकते हो उसका वीडियो देख सकते हो राइट ऑन ऑ यस ऑन ऑ यस बट अगर यही चीज मैं मैथ्स के लेक्चर के साथ कंपेयर करता हूँ लेक्चर निकल गया मतलब बीच का कोई चीज जो इंटरकनेक्टेड था वो अगर नहीं समझने आया मुझे तो क्या मेरा पूरा इन्फॉर्मेशन डिस्टॉर्ट हो सकता है क्या यस yes. इट so डिपेंड्स कि आपको फोकस एंड अटेंशन कहां पे सता सकता है और कहां पे सेव कर सकता है इस केस में फोकस एंड अटेंशन की एसत जरूरत नहीं थी आप बिना फोकस एंड अटेंशन के भी ये इन्फॉर्मेशन को समझ सकते थे बट वहां पे फोकस एंड अटेंशन की वजह से सिर्फ आपका फोकस कम हो गया आपका अटेंशन कम होगा कि आपको प्रॉब्लम आना चालू हो जाता है वहां पर राइट तो ये मेजर डिफरेंस है फोकस एंड अटेंशन पर जो हमको दिखना है किस तरीके से ये कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है राइट चलो अब मैं चाहता हूँ कि आप लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग और फोकस एंड अटेंशन ये पैराग्राफ्स को रीड करें गो फॉर इट फास्ट प्लीज रीड दिस आपको यहाँ से काफी चीजें समझने आ जाएंगी एक बार देख लो जल्दी से गो फॉर इट फास्ट कहाँ पहुँचे बोलो समझ पा रहे हो इस चीज़ को क्या लिखा हुआ है रीड कर पा रहे हो समझ पा रहे हो देखो अपन हियर करते हैं लिसन नहीं करते वो जरूरी है कि वी शुड ऑब्जर्व दि नॉन वर्बल क्यूज ऑल्सो सामने वाला जो वर्ड्स बोल रहा है ना वो तो सुनना ही है समझ नहीं है जो लिख के भेज रहा है जो बोल रहा है बट वो किस नियत के साथ किस किस इंटेंशन के साथ बोल रहा है ये आपको सिर्फ उसके बॉडी लैंग्वेज से उसके पैरा लैंग्वेज से ही समझ नहीं आएगा फिजिकल एंड आपका जो पैरा लैंग्वेज है नॉन वर्बल यहाँ पे ध्यान देना है अच्छे से राइट उसके बारे में याद नीचे एक चीज है आप देख सकते हो देखना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके साथ आप समरी करके इसको लिखना हो तो आप इसको भी लिख सकते हो

अब आप क्या करोगे आप डायरेक्ट जाके पैसे मांगोगे आपको पता है आपको क्या मिलने वाला है राइट मार के अलावा कुछ नहीं मिलेगा गालियों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा वट यू विल डू इज आप उनका जो इमोशनल स्टेट है उनका जो इमोशनल अवेयरनेस का स्टेट है आप उसको सुधारते हो आप उनको सामने जाके कुछ तो चीज बोलोगे कैसे तो चलो मम्मी मैं हेल्प करता हूं किचन में अच्छा पापा आपको कुछ बाहर से चाहिए थी चीज चलो मैं लेके आ जाता हूं मतलब जिंदगी में वैसे कभी कुछ आपने हेल्प नहीं की आज आप भरोपुर हेल्प कर रहे हो क्यों बिकॉज यू नीड समथिंग उनको भी पता चल जाता है तो so, आप उनका मूड बनाने की कोशिश करते हो उनका जो इमोशनल अवेयरनेस है उनका जो इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड है आप उनको कंट्रोल में लाते हो और फिर आप आपका जो प्रपोजिशन है उसको सामने रखते हो समझ रहे हो क्या बात को तो आपको आपके इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड का भी ख्याल रखना है आपको सामने वाला जो मैसेज रिसीव करने वाला है उसके इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड का भी ख्याल रखना है तभी जाके आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा राइट मेरे ख्याल से मैंने काफी एप्ट एग्जाम्पल दिया आपको समझने आ गया होगा अभी तक राइट सो so, यहां पे अगर देखते हैं कीपिंग इन माइंड द इमोशनल स्टेट ऑफ अदर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट चलो इसमें से कुछ देखना है फटाफट देख लो गो फॉर इट फास्ट जो बेटा चलो। अब आपने यहां तक चुकी है आपकी राइट अब आगे छह सीज सिक्स प्लस सुनो और फोकस करके हो जाओ राइट सुनो से फोस ऑनशन एंड अवेयर इमोशनल इन कंट्रोल एक करके फटाफट अपने को करते हैं। क्या क्वेश्चन

ये मैंने आपको कुछ पहला पेज ऐसा दिया हुआ है नोट्स का अगर आपके पास नोट्स है तो नहीं है तो आप आपको नोटबुक ओपन कर लो एक नोटबुक को जो सीधा पेज होता है उसको आड़ा कर लो राइट हॉरिजॉन्टल मतलब आड़ा मतलब इस तरीके से कुछ आप आपके नोट्स को प्लेस कर लोगे कुछ इस तरीके से राइट ऐसा कुछ करना है आपको अब ये आपका समझो पेज है ऐसा आड़ा वाला पूरा पेज है इसमें क्या करना हो बताऊँ मैं यहाँ तक पहुँचो ओके ये सोनो यहाँ तक पहुँच जाओ पहले सर क्या करवा रहे हो बताता हूँ यहाँ तक पहुँचो तो सही पहले ऊपर टाइटल देना कम्युनिकेशन हम क्या कर रहे हैं ना हम पूरे पेज की समझ बना रहे हैं पूरे चैप्टर की समझ बना रहे हैं एक पेज के अंदर अगर ये समझ आपकी बन जाती है आपको इतना तो नहीं पढ़ना है जब तक डिटेल्स में आपको जाना नहीं है आप सिर्फ इतना ही पढ़ोगे एग्जाम के एक दिन पहले एग्जाम के दिन पे आपको इतना दिख के जाना है हम हर चैप्टर की एक वन पेजर समझ बनाने वाले हैं मैथ्स में भी बीसीआर में भी बीसी में भी उसके अलावा मैं आपको बीस पच्चीस पेज की पूरी बुक की समझ तो बना के दे रहा हूँ आपको नोट्स तो पूरे है ऐसे मॉडल भी पूरा है आपका क्लास वर्क होमवर्क बुक भी आपके साथ है और क्या चाहिए जिंदगी में राइट चलो कम्युनिकेशन डालते हैं यहाँ पे पहले यहाँ पर आपको लिखना है डेफिनेशन राइट प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग दो लाइन्स में इसको फिट कर लो यहाँ तक पूरा लिखना है ऐसा मत छोड़ो लिखो डेफिनेशन को वो फॉर इट फास्ट सर डेफिनेशन दिखाओ जरा हमको ये समझ में आ गया ये लो डेफिनेशन देख लो बेटा ये रहा यहाँ पे आपका डेफिनेशन ठीक है आप देख के लिखो डेफिनेशन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है वो फॉर इट फास्ट जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उतना ही लिखवाऊंगा मैं आपको वहां पे वन पेज ठीक है इस चीज को लिख लो अब समझ को निपटाओ पहले फिर आगे बढ़ते हैं समझ बोल रहा हूँ सॉरी डेफिनेशन को निपटाओ पहले फिर आगे बढ़ेगा डन अरे हो गया क्या बेटा चलो आई गेस वी आर गुड टिल हियर आगे बढ़ते हैं इसके बाद हमने देखा था स्टेप्स इन रेंट टू कम्युनिकेशन अब देखो आपको पहले आपका पेज को प्लान भी करना है मैं आपको आइडिया देता हूं कैसे करना है क्या करना है आप इसको आज होमवर्क के तौर पर करोगे हम इसको नेक्स्ट सेशन में बैरियर्स देखने के बाद देखने वाले हैं राइट चलो क्या क्या करोगे देखो पहले तो हमको क्या क्या चीजें देखनी है पहला अपना कंसेप्ट था डेफिनेशन लिख लिया अपन ने दूसरा अपना कंसेप्ट था स्टेप्स इन टू तो कम्युनिकेशन ये आगे यहाँ पे इनहेरेंट्स आपके राइट सर कैसे लिखे सिर्फ आठ पॉइंट्स आपके आठ पॉइंट्स आपको लिखने हैं यहाँ पे आगे आपका पर्पस फिर कंटेंट फिर यहाँ पे मीडियम्स यूज राइट इस तरीके से आपको आठ पॉइंट्स लिखने हैं हैंट नेक्स्ट उसके बाद हमने देखा था कैटेगरीज यह हमने देखा था कैटेगरीज राइट कैटेगरीज में क्या थी दो ब्रॉड कैटेगरीज थी बेस्ड ऑन थे चैनल्स एंड बेस्ड ऑन परपस एंड स्टाइल शॉर्ट फॉर्म लिखना आपको फुल फॉर्म लिखना है सिर्फ ध्यान दो तो समझ लो क्या है कैसा है बाद में लिखना चालू करो राइट टाइम देता हूँ मैं लिखने का इसमें क्या था इसमें पहला था आपका वर्बल उसमें ओरल उसमें रिटर्न दूसरा क्या था नॉन वर्बल उसमें फिजिकल पैरा लैंग्वेज उसके बाद क्या था एस्थेटिक अपियरेंस एंड सिम्बल्स राइट एंड तीसरा था आपका विजुअल कुछ इस तरीके से आपका आ जाएगा आप अलग फॉर्मेट भी फॉलो कर सकते हो तो एक पेज में फिट करना है सिर्फ फिर परपस एंड स्टाइल में क्या था एक था यहाँ पे फॉर्मल उसके अंदर वर्टिकल हॉरिजोनल डायगनल दूसरा था यहाँ पे इनफॉर्मल जिसको हम बोलते हैं ग्रीप वाइन या गॉसिप्स यहाँ तक फिट हो गया ये हो गया आपका आधा चैप्टर अब आगे क्या करना है इसके बाद हमने देखा था कैटेगरीज के बाद नेटवर्क्स देखे थे हमने हमने कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखे थे राइट उसके बाद बैरियर्स आने वाले हैं तो ये बैरियर्स के लिए तो यहाँ पे लास्ट में जगह छोड़ दो राइट यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन आने वाली है राइट अब इसमें कितने हैं आपके नौ पॉइंट्स हैं ये नाइन पॉइंट्स यहाँ पे आपके आ जाएंगे इस तरीके से इसके पहले या इसके बाद कहां पे भी एक आप एरो ड्रॉ कर लो और कैरेक्टर स्टिक्स के नीचे आपकी जगह आ जाएगी वहां पे आपको लिखने हैं नेटवर्क राइट नेटवर्क में फिर नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री नंबर फोर एंड नंबर फाइव

डन बेटा अगर आपका हो गया है तो आप आज का क्लास यहीं क्लोज़ कर लेंगे हम लोग एंड टुमारो वी विल स्टार्ट विथ बैरियर्स बिकॉज जितना टाइम बचा हुआ है उतने में हम बैरियर्स पूरी तरीके से नहीं कंप्लीट कर पाएंगे तो आई गेस डेमो क्लासेस यहीं पर आपकी एंड हो जाएंगी आई एम नॉट श्योर लेट मी चेक विद दी वी स्मार्ट मैनेजमेंट वंस बट डेमो क्लासेस यहीं पर खत्म हो जाएगी जितना uh, हमें भी कहा गया जितना हमने भी प्लान आउट किया हुआ है एंड आपको इसके बाद जो लेक्चर्स है आपको आई गेस जो इस लेक्चर को आज ट्वेंटी थर्ड अक्टूबर को दिख रहा है आपको फर्स्ट ऑफ नवंबर से एप्लीकेशन में लेक्चर्स मिल जाएंगे आगे के सो so आप उसमें देख सकते हो अगर आपने क्लासेस वीडियो क्लासेस को परचेज किया हुआ है तो फॉर दैट यू कैन रेफर टू दफेक्ट जो दिए हुए हैं राइट आई गेस अभी तक हमने जो भी देखा है कम्युनिकेशन में आपको शायद मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया होगा आपको शायद चीजें याद आई होगी आपको चीजें समझने आई होगी ऐसी मैं पूरी आशा करता हूँ आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग बट अब वी हैव सीन इन दी चैप्टर बी टिल नाउ तो दैट uh, आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे ईजिली पता हो एंड समझने आ जाए तो टेक केयर ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू आपके फीडबैक्स जो भी है आप भेज सकते हो सेवन डबल एट सेवन सेवन डबल एट सेवन वन जीरो पे व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हो आपको कोई डाउट है आप मुझसे बात कर सकते हो कहाँ पे भी कुछ भी होगा यू कैन टॉक टू मी डायरेक्टली सो दैट वी कैन क्लियर इट आप मैसेज कर देना आपको मैं दो दिन के अंदर रिप्लाई कर दूंगा चलो बाय बाय टेक केयर